अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक है ना फंक्शन ऑफ ब्लड। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है? मेंटेन करना ऑस्मोटिक बैलेंस को। प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करती है कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड को, मेरे बच्चे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है मेंटेन करना, वो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है। जैसे अल्ब्यूमिन 75% है, ग्लोब्यूलिन 25% है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है वो ब्लड के जरिए से होता है। हमारे ब्लड का कौन सा पार्ट करता है? वो प्लाज्मा करता है। और प्लाज्मा के अंदर कौन सी चीज़ें जो करती है बेटा? वो प्रोटीन करती है, जैसे अल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्यूलिन्स है। ब्लड का बहुत बड़ा काम है ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में जितना भी मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो मेरे बच्चे कौन करती है? वो ब्लड करते हैं। जैसे न्यूट्रन को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को, सॉल्ट्स को और वेस्ट को। हमारी बॉडी में हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के जरिए हो रही है, और इवन के इवन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो कि गैसेज की ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी हमारी बॉडी में ब्लड के जरिए होती है। ब्लड का तीसरा बड़ा काम है डिफेंस करना और इम्यूनिटी। आपको पता होना चाहिए ब्लड के अंदर WBC होता है, जो कि एंटीबॉडीज बनाता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मेरे बच्चे एज अ डिफेंस और इम्यूनिटी के तौर पे काम करता है। और आपने न्यूट्रोफिल भी सुना था, मोनोसाइट भी सुना था, जो कि WBC सेल होते हैं, वो भी डिफेंस और इम्यूनिटी का काम करते हैं। मतलब ये हेल्प करता है बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, इनगल्फ करते हैं, निगल लेते हैं जरासीमों को और उसको तबाह और बर्बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप कह सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह। ब्लड प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय द लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट मेरे बच्चे ब्लड के अंदर मौजूद होता है, जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी का मतलब ये कि हमारी जो ब्लड की आर्मी, हमारी बॉडी की जो आर्मी है, वो आर्मी का नाम क्या, जो जंग लड़ती है जरासीमों के खिलाफ, वो एंटीबॉडीज है। और वो एंटीबॉडीज कौन बनाता है बेटा? लिम्फोसाइट बनाता है। इसे देखा जाए जो कि ब्लड है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं इंटरफिरॉन एंटीटॉक्सिन, विच आर प्रोटीन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड एंड टॉक्सिन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारी बॉडी में जरासीम आते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है, तो उसके टॉक्सिन और न्यूक्लिक एसिड से बचाती हैं दो चीज़ें। एक नाम इंटरफिरॉन और एंटीटॉक्सिन है, और मेरे बच्चे ये प्रोटीन होती हैं। और ये भी दो मेरे बच्चे कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? ब्लड के अंदर, जो कि हमारी बॉडी को हफाजत दे रही हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म की न्यूक्लिक एसिड से और बड़ा किससे? टॉक्सिन से। इसी तरह जो ब्लड है ये होम्योस्टेसिस का भी रोल अदा कर रहा है। ब्लड एक्ट एज अ बफर। ये हमारे बॉडी का बफर है जो मेंटेन करता है एसिडिक और बेसिक बैलेंस को। मतलब हमारे अंदर एसिडिक और बेसिक बैलेंस को जो मेंटेन करने वाला बफर है हमारी बॉडी के अंदर, वो ब्लड होता है, जो कि बड़ा एच और OH, एच पॉजिटिव OH को मेरे बच्चे हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को भी, और इवन के इवन मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट्स को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करने वाला होम्योस्टेसिस का रोल अदा करने वाला बेटा वो भी कौन है? ब्लड होता है। इसलिए जो ब्लड है एक्सचेंज जो मटीरियल, आपको पता हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रंट्स आते हैं वो बॉडी के सेल्स के साथ एक्सचेंज होते हैं। और वो किस लेवल पर होते हैं बेटा? ब्लड कैपरीज। और जो एक्सचेंज जो मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज थ्रू ब्लड कैपरीज, तो ब्लड कैपरीज मेरे बच्चे जो कि हमारे ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वहाँ पर एक्सचेंज मटेरियल होता है। तो ब्लड का ही सबसे बड़ा काम होता है एक्सचेंज करवाना मटेरियल को, मगर वो जिस लेवल पे एक्सचेंज होता है बड़ा, उसका नाम क्या? ब्लड कैपरीज है। इवन के प्रोड्यूस होते हैं केमिकल्स, जैसे ब्लड प्रोड्यूस करते हैं हेपरिन, जो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लोट होने से, जो कि हमारे ब्लड को क्लोट होने से बचाता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है तो वो क्लोट नहीं होता, जमता नहीं है, क्योंकि उसको जमने से रोकने के लिए हेपरिन होता है जो ब्लड का पार्ट है। हिस्टामिन, जैसे हम गिरते हैं तो जहाँ पर जख्म होता है, जहाँ पर चोट लगती है, पे सोजिश हो जाती है, उस सोजिश को करवाने वाला हिस्टामिन होता है कि पता लगे कि यहां पे चोट लगी है और बहुत सीवियर चोट है। तो ये हिस्टामिन इंफ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, और हिस्टामिन जो है ये भी ब्लड का पार्ट होता है। तो ब्लड के डिफरेंट हमारे पास मेरे बच्चे देखा जाए तो फंक्शन है, जिसमें मेंटेन ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, इम्यूनिटी, होम्योस्टेसिस, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल और प्रोड्यूस केमिकल होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आगे इंशाल्लाह हमारा फर्दर टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन का।